अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। एंड रात में मैंने तमाम रैबिट्स को अपने खोल दिया था, मतलब दोनों जो रैबिट्स के चिक्स हैं वो हमारे पूरी रात खुले रहते हैं। देख रहे हैं आप, अभी रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चिक्स को ना रोज़ चेक करता हूँ। अब तकरीबन 2 दिन हो गए मैंने इसको चेक नहीं किया है, तो अभी वो भी चेक करता हूँ मैं। सबसे पहले हम अपने पैरेट्स का पानी चेंज कर देते हैं, इनको खुराक दे देते हैं। ओहो यार, फूड जो थी रैबिट्स की वो मैं फ्रिज में भूल जा गया। काम देखिए मेरा अपने। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज बाहर घुमा, आज तुम्हारा बाहर घूमने का दिन है। अच्छा दोस्तों, अब मैं इनको बेफिक्र होकर अपने चिक्स को सबको खोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई भी इनको नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी बटेर हमारी कुछ सुस्त लग रही है, क्या हुआ भाई? खैरियत तो है, सुस्त क्यों हो रही हो? रात में मैंने क्या किया दोस्तों, इनको अपने चिक्स को ना मैंने बाजरा दिया था, तो ये बाजरा इन्होंने पेट भर के खा लिया है। आज इनको क्या करेंगे दोस्तों, हम बाहर ही इनको देंगे दाना इधर ही। बाकी इनका बाजरा मैं तैयार कर लेता हूँ। आज सबसे पहले अपने चिक्स को दाना देंगे, सबसे आखिरी है बेचारा, वो डलता है, और आज इनको हम सबसे पहले देंगे इनकी खुराक। हाँ भाई माइलो, क्या कर रहे हो? माइलो तो बेचारा हमारा सुस्त सुस्त रहता है, बस माइलो को भी कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब इधर ही आ जाओ, खाओ जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा दोस्तों, मैंने इनको प्याले में दिया है इस वजह से कि यहाँ पे आराम से अपने रिलैक्स होकर फीड खा सकते हैं अपनी, ठीक है ना? क्योंकि ये ज़मीन पे रखूँगा ना तो ये फीड ज़ाया हो जाती है, तो इसलिए इनको प्याले में देता हूँ, क्योंकि इनके इसके अंदर बाजरे के अंदर इनकी फीड भी मिक्स है, तो ये फीड भी खा सकते हैं अपनी आराम से और बाजरा भी। बाकी हमारे रैबिट देखें पीछे क्या कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मैंने इनको फुल ओपन किया है बाहर ना, इनको खोला है मैंने। बाकी मैं इनको खोलता नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे चील ऊपर बैठती थी, इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा खोलता नहीं था। पैरेट्स को देते हैं दाना। ये बच्चा एक दब के मर गया नीचे ना, तो मैंने सोचा आज क्या इसकी फिर बॉक्स की सफाई भी कर लेते हैं, और बाकी के चिक्स फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी यहीं रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाकी आप। अच्छा, 2 अंडे मेरी फीमेल ने और भी दिए थे जो मुझे पता नहीं था, तो अभी वो उसको नज़र नहीं आया या फिर घास के नीचे छुप गए, तो फिर मैं सामने रख दिए। अभी अगर वो हीट करेगी तो ये हमारे फर्टाइल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इसकी सफाई कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसको वापस लगा देंगे। पुराना बॉक्स जो था इन अपने लव बर्ड्स का निकाल दिया है, और नया जो है ना हमारा बॉक्स वो मैंने लगा दिया और नई घास के साथ लगा दिया है, और 2 अंडे उसमें और थे जो इस मादी ने फर्टाइल नहीं किए हैं। तो उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह ताला वो जो बच्चा हमारा एक्सपायर हुआ है वो ये फर्टाइल कर देगी अंडे, तो हमारी उसमें कवर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। घास की कंडीशन देख रहे हैं दोस्तों कितनी ख़राब हो चुकी है, तो ये होता है असल में, ये पॉटी वगैरह करते हैं ना, तो इससे तो बच्चा ना वो क्या हुआ है कि वो अंदर ही रह के ख़राब हो गया बच्चा सारा। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके एगलिंग से बच्चे आ जाएँ फौरी फौरी आप उनका बॉक्स तब्दील कर दें या बॉक्स की सफाई कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने सफाई नहीं की थी, तो आज मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी भी निकली है, और दूसरी बात कि इसकी घास वगैरह भी सारी ख़राब ही हो चुकी है तकरीबन।
अच्छा दोस्तों, आज हमारे चिक्स देखें कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं ना। वो इसकी वजह ये है क्योंकि ये बाहर खुलते नहीं हैं और आज माशाल्लाह खुले माहौल में खुले हुए हैं, तो हर चीज़ खाने को भी मिल रही है, तो ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरा एक अच्छा फैसला था कि मैंने बॉक्स को चेंज कर दिया है। बॉक्स को चेंज करने से क्या हुआ है, उसमें सफाई भी हो गई एक तरीके से, और दूसरी बात यह है सफाई के अलावा जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके चिक्स भी चेक कर लेते हैं, ये माशाल्लाह बेहतरीन है, ग्रो पे हैं। हाँ भाई, क्या पोजीशन है तुम्हारी? एक तो माशाल्लाह तैयारी पे है, ये माशाल्लाह सब सेट है। चलो भाई, ओके, टाटा बाय बाय, बंद हो जाओ तुम वापस, अंदर एंजॉय करो, खुश रहो। आप देख रहे हैं हमारे चिक्स कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको खुली एक जगह, खुली माहौल मिल गया है इनको, तो ये माशाल्लाह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं यहाँ पे। बाकी हमारे रैबिट्स ये माशाल्लाह यहाँ देखें आप एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। बड़े रैबिट्स को दोस्तों मैं इसलिए नहीं खोलता हूँ क्योंकि उनको खोलना फजूल होता है, क्योंकि वो इनको मारेंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर आपस में झगड़े होंगे, फिर ये बीमार हो जाएंगे, फिर मुझे टेंशन होगी, तो इस वजह से ये बड़े रैबिट्स को बंद रहने देते हैं। छोटे वाले बेबी जो है इनके रैबिट्स के, मैं एनी टाइम खोल के रखता हूँ, उनको बंद नहीं करता हूँ मैं। जितने भी बॉक्सेस हैं ना सबकी सफाई कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि साफ भी हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, फाइनली तमाम मैंने अपने बॉक्स की सफाई कर ली है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल जी फॉर गुड इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।